टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेडुसा ने किनमू पर अटैक कर दिया था, पर तभी ग्रैंड मदर वहां पर आ जाती है जो कि किनमू को बचा लेती है और इसके बाद वो क्यून मेडुसा को जान से मार देती है और उसको पानी के अंदर फेंक देती है। उसकी जो डेड बॉडी होती है वो बहते हुए एक जगह पड़ा चुकी थी जहाँ पर हमने एक बंदे को देखा था जो कि एक सेक्ट का बंदा था जो कि इस चीज को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है उसके अंदर काफी सारे इविल बंदे छुपे हुए हैं। और इसके बाद वो अपने साथियों के साथ में उन सभी का सफाया करने के लिए निकल चुका था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें ग्रैंड फादर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को पकड़ रखा था जिसकी वजह से किनमू काफी हैरान हो चुका था। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो भी ग्रैंड फादर होते हैं उन्होंने इतने सारे को इसलिए पकड़ा था ताकि वो उसके ब्लड का यूज कर सके ताकि किनमू इन सभी को पीकर अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सके। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर्स को दिखाया जाता है जो कि उनके ब्लड के लिए उनको मार देते हैं और उनका ब्लड का यूज करके किसी पोषण को बनाने लगते हैं। जहाँ पर हमें कोलियोग्राफी वाले ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो अपने कोलियोग्राफी का यूज करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पिक्चर आ चुका था और वो जो भी होते हैं वो सभी उस पिक्चर के अंदर जा चुके थे। वहीं पर हमें फार्मासिस्ट वाले ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो अपने फार्मासिस्ट वाले पावर का यूज करके उन चारों बीस्टों के ब्लड को रिफाइन करने लगते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो किनमू को कल्टीवेशन के बारे में बताने लगते हैं कि आखिर उसके कितने सारे स्टेजेस हैं और उन सभी को ब्रेक कैसे किया जाता है और कौन कौन से लेवल पर कौन कौन सी पावर आती है। गाइस मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि आप सभी ने पहले ही इसके एक्सप्लेनेशन को देख रखा होगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं पर हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडफादर से काफी सारे चीजों के बारे में पूछता है। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि किनमू के हर एक बात का जवाब देते हैं कि आखिर कल्टीवेशन कैसे किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी पावर मिलती है। तभी हमें ग्रैंडफादर माँ को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो किनमू को बताते हैं कि मेरे पास में जो पावर है वो ड्रैगन की पावर है और इसके बाद वो अपने ड्रैगन को रिलीज करते हैं जो देखकर वो काफी हैरान हो चुका था। वहीं पर हमें बुचर ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिनका जो सोल होता है वो एक फिनिश का होता है। साथ ही हमें ब्लाइंड वाले ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिनकी जो सोल होती है वो एक टर्टल की होती है। तभी हमें स्पिस्टर ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि किनमू के पास में आ चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम इसी को देखकर परेशान हो रहे हो, और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है आखिर तुम्हारे ग्रैंड मदर के पास में कौन सा सोल है। तभी अचानक से ग्रैंड मदर अपने सोल को बाहर निकाल लेती है जो कि असल में होती है व्हाइट टाइगर की, जिसे देखकर वो ग्रैंडफादर भी काफी डर चुका था। वेल अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो ग्रैंडफादर सोते हैं उन्होंने चार कप को बनाया था जिसके अंदर ब्लड होती है। जहाँ पर हमें उन चारों ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और अपने अपने कप को उठा लेते हैं और किनमू को पीने के लिए देते हैं। जहाँ पर हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि पहले कप को पीता है जिसके अंदर जो ब्लड होती है वो एक थंडर ड्रैगन की होती है जिसको पीने के बाद उसको झटके लगने लगते हैं। धीरे धीरे करके बाकी ग्रैंडफादर्स भी अपने अपने ब्लड को किनमू को पिलाने लगते हैं, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। किनमू अपने कल्टीवेशन को जागृत नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो सारे ग्रैंडफादर्स काफी परेशान हो चुके थे। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर माँ को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बच्चे को सिटी में भेज देनी चाहिए, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर बुचर काफी गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो उससे लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर ये बच्चा यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या ये हमारे बारे में सारे बंदों को नहीं बता देगा, और अगर ये ऐसा करता है तो हमारे दुश्मन यहाँ पर आ जाएंगे और हम सभी की जो भी जीवन बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पर हमें बाकी ग्रैंडफादर्स को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उनके फाइट को रुकवा देते हैं। वहीं पर हमें गाँव के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे किनमू पर पूरा भरोसा है, वो आने वाले समय में जरूर एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। जहां पर हमें उन सारे ग्रैंडफादर्स को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर काफी हैरान हो चुके थे और उन सभी को उनके बातों पर यकीन था क्योंकि जो लीडर होते हैं वो जब भी कोई बात बोलते हैं उसके अंदर पॉइंट होता है और उनकी बातें हमेशा सही होती है। वहीं पर हमें फार्मासिस्ट को दिखाया जाता है जो कि लीडर के बातों को सुनकर
हैरान था और उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके लिए वो लीडर को कन्फ्रंट भी करता है। जहाँ पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि मुझे किनमू पर काफी भरोसा है, और इसके बाद वो बताते हैं कि मैं शुरू से जानता था जो किनमू है उसके अंदर टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैंने शुरू से उसको बेसिक टेक्निक्स को सिखाया है। जहाँ पर हमें फार्मासिस्ट को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि मेरा भी वही कहने का मतलब है, जो किनमू है वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग को ही कर सकता है, वो कभी भी कल्टीवेटर नहीं बन सकता है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बातें गलत है, और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि आने वाले समय में किनमू एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। और वो बताते हैं कि क्योंकि मैंने किनमू को ओवरलोड बॉडी टेक्निक सिखाई है, और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर किनमू इसमें सक्सेस हो जाता है तो आने वाले समय में उसके पास में इतनी ज्यादा पावर होगी कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, वो हमसे 5 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुके थे। और उन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि आखिर किसकी बातें सही है। वेल, अगले सीन में हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि फार्मासिस्ट अंकल के पास में आया था। जहाँ पर हमें फार्मासिस्ट ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे मेडिसिन को उसे पिलाते हैं। जहाँ पर हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि ना चाहते हुए भी उन सभी को पी रहा था। पीने के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो अपने निडल का यूज करके उसको दोबारा से पिचका देते हैं। तभी हमें ग्रैंडफादर बूचर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा जाते हैं, और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि अब मेरी बारी है, तुम्हें मेरे साथ में ट्रेनिंग करना होगा, जिसके बाद वो उसको लेकर अपने साथ में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें बूचर ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि उसको लेकर एक जगह पड़ा चुके थे, और इसके बाद वो कहते हैं कि आज तुम्हें मेरे साथ में ट्रेनिंग करनी होगी। जहाँ पर हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडफादर के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो चुका था, और इसके बाद वो ग्रैंडफादर के बारे में बताता है और कहता है कि ये जो ग्रैंडफादर है ये स्वॉर्ड और नाइफ को चलाने में काफी ज्यादा ट्रेंड है, इनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है, और ये काफी अच्छी तरीके से अपने नाइफ को चलाते हैं, और बताता है कि इन्होंने काफी सारे मूव्स के बारे में मुझे बताया है। और इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है ताकि उनके साथ में फाइट कर सके। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि अपने नाइफ्स का काफी ज्यादा बखूबी तरीके से यूज कर रहे थे, जिसके सामने किनमू नहीं टिक पा रहा था, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो ग्रैंडफादर को टक्कर दे सके। पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जिनकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से किनमू उनके सामने नहीं टिक पा रहा था और ग्रैंडफादर उसे काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। साथ ही हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि किनमू को एडवाइस भी दे रहे थे कि आखिर वो अपने टेक्निक को अच्छी तरीके से यूज कैसे कर सकता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ कि मैं अपने स्लेश से पूरे आसमान को काट दूं। तभी हमें ग्रैंडफादर माँ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा जाते हैं, और इसके बाद वो किनमू से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा क्योंकि अब समय हो चुका है कि तुम मेरे साथ में ट्रेनिंग करो, और इसके बाद वो उसको लेकर चले जाते हैं। जहाँ पर हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडफादर माँ के बारे में बताता है, जो कि ये होता है कि वो काफी केयरिंग होते हैं, पर जब वो ट्रेनिंग को कराते हैं तो ये कहा नहीं जा सकता है कि वो इतने ज्यादा केयरिंग हो, क्योंकि वो ट्रेनिंग के समय काफी खतरनाक बन जाते हैं। वहीं पर हमें ग्रैंडफादर माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने थंडर पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं। किनमू उसके अटैक को नहीं रोक पाता और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो काफी ऊपर उड़कर जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाता है जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर माँ को दिखाया जाता है जो कि किनमू से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, देखो मेरे पास में एक ही हाथ है जिसके बाद भी मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, पर तुम्हारे पास में तो दोनों हाथे हैं, क्या तुम इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते हो। किनमू भी काफी जोश में आ चुका था और आगे बढ़ता है ताकि वो उन पर अटैक कर सके, पर वो दोबारा से काफी कुत्ते की मौत मार खाता है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। ग्रैंडफादर माउस को एक जोरदार मुक्का मारते हैं जिसे वो दूर जाकर गिर चुका था, और वो अपने किस्मत को कोसने लगता है कि आखिर मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। तभी हमें स्पिस्टर ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब मेरी बारी है, और इसके बाद वो उसको लेकर निकल जाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये जो ग्रैंडफादर है उसका एक ही लेग है और ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, और इसकी जो स्पेशलिटी है वो स्पीड है और ये हमेशा हंसता रहता है। पर आप इसके हंसी पर मत जाना, भले ही ये काफी अच्छी तरीके से हंसता है पर ये मारने में भी काफी आगे है, ये कब आपको जान से मार देगा आपको भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद किनमू कहता है कि यहाँ पर जो भी ग्रैंडफादर्स है वो सभी काफी पावरफुल है, पर मुझे पता नहीं है कि आखिर इनके साथ में क्या हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रैंडफादर है वो काफी ज्यादा तेज है, पर इसके बाद भी किसी बंदे ने इनके पैर को
को काट दिया है और साथ ही जो बूचर ग्रैंडफादर है वो भी काफी खतरनाक और काफी ज्यादा गुस्सेल वाले हैं, पर इसके बाद भी किसी ने उनके हाफ बॉडी को काट दिया है। साथ ही जो ग्रैंडफादर माँ है वो भी काफी पावरफुल है, पर इसके बाद भी किसी ने उनके हाथ को काट दिया है। आखिर इनका दुश्मन कौन है जो की इतना ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने इनको इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। और इसके बाद वो कहता है की मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझे कल्टीवेट कराने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊं ताकि मैं इन सभी की मदद कर सकूं। वेल, अगले सीन में हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि लीडर के साथ में था, जहां पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि किनमू से कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कल्टीवेशन को कर सकते हो। और इसके बाद वो उसे कल्टीवेशन करने को बोलते है, जहाँ पर हमें किनमू को दिखाया जाता है जो की अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ी से पावर को अपने बॉडी के अंदर इकट्ठा भी करता है, जो देखकर ग्रैंडफादर काफी खुश हो चुके थे। और इसके बाद वो किनमू से कहते हैं कि अगर तुम कोशिश करते रहते हो तो आने वाले समय में तुम भी कल्टीवेटर बन सकते हो। वेल, अगले सीन में हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि बाकी ग्रैंडफादर्स के साथ में था और वो अपने कल्टीवेशन को कर रहा था, जिसमे जो पहले ग्रैंडफादर होते हैं वो पेंटिंग वाले ग्रैंडफादर होते हैं जो की उसको पेंटिंग करना सिखाते हैं, और जो दूसरे ग्रैंडफादर होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं पर वो अपने आर्ट में काफी परफेक्ट होते हैं। और साथ ही एक और ग्रैंडफादर होते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं, पर इनके बाद भी उनका जो सेंस होता है वो काफी तेज होता है। और साथ ही किनमू बाकी ग्रैंडफादर्स के साथ में भी अपने प्रैक्टिस को किया करता था ताकि वो अपने पावर को बढ़ा सके। वेल, अगले सीन में हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड ग्रैंडफादर के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो ब्लाइंड होने के बाद भी इतने शार्प होते हैं कि किनमू कभी भी उनको नहीं हरा पाता। वेल, अगले सीन में हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुका था और कल्टीवेशन कर रहा था। पास ही में हमें लीडर साथ ही साथ फार्मासिस्ट को दिखाया जाता है जो कि किनमू को देख रहे होते हैं और वो किनमू के बारे में बात कर रहे थे, और वो कहते हैं कि अगर किनमू फ्यूचर में कल्टीवेटर नहीं बन पाया तो इसकी वजह से उसकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारा कोई भी ठीक नहीं है, हम कभी भी मर सकते हैं, तो किनमू को किसी भी हालत में कल्टीवेटर बनना होगा ताकि वो अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सके। जहाँ पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है किनमू आने वाले समय में एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। वेल, वहीं पर हमें किनमू को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।